हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री उमा अमर बॉडी बिल्डर्स में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं महिंद्रा जीतो प्लस BS6 का फुल रिव्यू, जिसमें हम आपको इसकी माइलेज, प्राइसिंग, फीचर्स और इंटीरियर के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे नए दोस्तों का स्वागत है और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं महिंद्रा जीतो प्लस का फ्रंट लुक कैसा है दोस्तों। यहाँ पे महिंद्रा ने काफ़ी ही स्टाइलिश लुक से ये गाड़ी को बनाया है। ओवल शेप के हेलोजन हेडलैम्प्स और साइड इंडिकेटर्स यहाँ पे महिंद्रा ने फ्रंट में प्रोवाइड किए हैं। ब्लैक प्लास्टिक का बम्पर देख सकते हैं, जिसके अंदर फॉग लैंप होल्डर और हनीकॉम्ब ग्रिल यहाँ पे महिंद्रा ने प्रोवाइड की है। महिंद्रा की ब्रांडिंग तो यहाँ पे दी गई है दोस्तों। साथ में फ्रंट में हमें महिंद्रा ने सिंगल वाइपर और BS6 की ब्रांडिंग भी दी है दोस्तों। अब हम आपको दोस्तों यहाँ पे गाड़ी का लेफ्ट प्रोफाइल दिखाते हैं। यहाँ पे मैनुअल एडजस्टेबल साइड मिरर आप कैबिन में देख सकते हैं। महिंद्रा ने काफ़ी ही शानदार लुक से ये गाड़ी को बनाया है। 12 इंचिस के स्टील रिम यहाँ पे हमें महिंद्रा ने प्रोवाइड किए हैं। एमरोन की 12 वोल्ट की बैटरी भी हमें यहाँ महिंद्रा ने प्रोवाइड की है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी हमें मिलता है दोस्तों। प्राइसिंग की बात करते हैं दोस्तों, 3,56,000 की ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। साथ में 29.1 kmpl की कंपनी यहाँ पे माइलेज क्लेम कर रही है दोस्तों। तो अब हम आपको दिखाते हैं कैबिन का लुक। महिंद्रा जीतो प्लस का ब्रांडिंग आप देख सकते हैं। मैनुअल एडजस्टेबल साइड मिरर्स यहाँ पे महिंद्रा ने प्रोवाइड किए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कैबिन के अंदर महिंद्रा ने कैसे सब कुछ बनाया है। स्टैंडर्डाइज यहाँ पे महिंद्रा ने सीट दी हुई है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी सीटें यहाँ पे महिंद्रा ने इस गाड़ी के हिसाब से बनाई है। सीट के पीछे हमें यहाँ पे ECU मिलता है। इस गाड़ी के अंदर BS6 नॉर्म के हिसाब से ECU यहाँ महिंद्रा ने प्रोवाइड किया है। लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर, छोटी गाड़ी के बावजूद भी काफ़ी अच्छा लेग स्पेस और हेड स्पेस भी यहाँ दिया है दोस्तों। तो बात करते हैं इंटीरियर के ही दोस्तों, तो इंटीरियर भी महिंद्रा ने काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ बनाया है। एनालॉग प्लस डिजिटल क्लस्टर हमें यहाँ मिलने वाला है। यहाँ पे गाड़ी के अंदर 4-speed मैनुअल ट्रांसमिशन महिंद्रा ने प्रोवाइड किया है। ग्लव बॉक्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉकेबल ग्लव बॉक्स महिंद्रा ने प्रोवाइड किया है। DIS डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी यहाँ महिंद्रा ने प्रोवाइड किया है, जिसके साथ रिवर्स सेंसर भी हमें मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये तो थी इंटीरियर की बात दोस्तों। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे बॉडी महिंद्रा ने कैसी बनाई है दोस्तों। बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 7.4 feet की लेंथ है, 4.9 feet की विड्थ है और 1 feet की यहाँ पे हाइट की बॉडी आपको मिलने वाली है दोस्तों। 750 kg पेलोड कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी आपको मिलने वाली है दोस्तों। अब हम आपको दिखाने वाले हैं महिंद्रा के बॉडी के अंदर कैसी बनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिंद्रा ने सेंटर में एक इंजन कवर बनाया है, जो हम आपको बाद में दिखाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पीछे के प्रोफाइल के बारे में। पीछे की लाइटें आप देख सकते हैं, साथ में रिवर्स पार्किंग सेंसर है, पीछे का डाला आप देख सकते हैं। बॉडी के अंदर जो कवर की बात कर रहा था वो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बॉडी के सेंटर में इंजन कवर महिंद्रा ने प्रोवाइड किया है। यहाँ पे आप गाड़ी के नीचे से भी देख सकते हैं कैसा बनी हुई है दोस्तों। तो अब बात करते हैं व्हीकल के ओवरऑल डायमेंशन की। 12.9 feet की इसकी लेंथ है, 4.11 feet की विड्थ है और 5.9 feet की इसकी टोटल कैबिन के साथ हाइट है दोस्तों। एक छोटा सा ऑफ रोडिंग का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी हमने ये गाड़ी के साथ किया है दोस्तों, जो कि काफ़ी ही स्मूथ रहा। इसी गाड़ी का फुल बॉडी बिल्डअप होने के बाद हम एक और वीडियो अपलोड करने वाले हैं, सो हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।